हेलो फ्रेंड, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन है। कौन से ब्लॉक के क्वेश्चन है? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, तो आपको बार बार उनको रिवाइज करते रहना। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये पी ब्लॉक है, ग्रुप आपका 13-14। द आयन विथ स्मॉलेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग। अब आपके पास ये ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 में क्वेश्चन नंबर 51, ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम एंड थैलियम। तो हमें इसमें थैलियम दिख रहा है, गैलियम दिख रहा है, इंडियम दिख रहा है और एल्युमिनियम, बोरोन नहीं दिख रहा है, तो हटा देते हैं। और कौन से स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो एज वी नो दैट डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो ये रेडियस इंक्रीज होगा और आयनिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। बस हमें इसमें ध्यान रखना, अगर इन्होंने केवल रेडियस पूछा होता है, एटॉमिक रेडियस, तो सबसे कम किसका होता? बोरोन। फिर उससे ज्यादा किसका होता? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का ज्यादा होता किससे? गैलियम से। और फिर गैलियम का कम होता इंडियम से, और इंडियम का कम होता किससे? थैलियम से, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डी ऑर्बिटल पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसको ऑर्डर में लिखूं तो बोरोन से ज्यादा गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और क्या? थैलियम। यहाँ पे भी जो डिफरेंस है, यहाँ पे 167 है, वहाँ पे 170 पिकोमीटर है। बहुत डिफरेंस नहीं है, बिकॉज एफ ऑर्बिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे डी ऑर्बिटल। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन्होंने किसका पूछा है? ये सब एटाइनिक फॉर्म में है, तो अगर इस चारों में कंपेयर करूँ तो सबसे कम होगा एल्यूमिनियम +3, उससे ज्यादा गैलियम +3, इंडियम +3 एंड थैलियम +3। तो उन्होंने पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइज, तो अगर स्मॉलेस्ट साइज की बात करूँ मैं, स्मॉलेस्ट साइज की बात करें तो सबसे कम किसका है? एल्यूमिनियम, तो फोर्थ ऑप्शन। ओके, अब इसके बाद इसका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 52 है, 52 में जो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड बताने हैं Al2। सो Al2Cl6, ये क्या है? डाइमर। AlCl, फिर आप यहाँ पे तीन तो इसी के बॉन्ड हो गए, ठीक है, और यहाँ पे Al, फिर Cl और Cl, और यहाँ पे Al, Cl, तीन दोस्त के हो गए खुद के। उनके पास है लोन पेयर, यहाँ पे इनके पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देंगे। तो ये दो कौन से बॉन्ड हो गए जो वो पूछ रहे आपसे? डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? दो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज इनको ट्राई करिए। द इनकरेक्ट पूछा, देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बोरेक्स। अब बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? अगर बोरेक्स के फॉर्मूले की बात की जाए तो बोरेक्स का फॉर्मूला है बेटा, दैट इज Na2B4O7.10H2O। बट एक्चुअल जो फॉर्मूला है, एक्चुअल एक्चुअल फॉर्मूला क्या है इसका? Na2B4O5, और कितना टाइम्स? OH जो है वो 4 टाइम्स एंड .8H2। ये अपने को फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा। अब इसके बाद बोरेक्स का उन्होंने जो पूछा है उससे कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थोड़ा सा मैं इसको शब कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट ऑलरेडी ये हो चुका है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ बोरेक्स का। तो ये देखिए आप, जब तक आपको बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, तो ये पहला सही है, इट कंटेन्स B4O5OH। यस, यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से -2Na+ कर दूंगा तो क्या बचेगा? B4O5OH 4 टाइम्स और यहाँ पे 2 माइनस और बाहर 8H2O। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अर्थ, वो एक एसिड। आपको लगता है आप Na2B4O7 को पानी में डालेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा? 2Na+ N+ B4O7, जस्ट फॉर सिंपल
ब्रेकिंग मैं कर रहा हूँ, इसको पानी में डालने के बाद मैं बस बता रहा हूँ ये क्या बनेगा, क्या बनता है NaOH एंड प्लस क्या H3BO3 बनता है, पूरा रिएक्शन अच्छे से होता है H3BO3। तो ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताइए सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक और सॉल्यूशन बेसिक होगा तो इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन का 7। तो इन्होंने ये जो लिखा है एसिडिक वो गलत है, तो ये गलत है, यही हमें चाहिए था इनकरेक्ट। ऑन हीटिंग इट फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स अप टू एस, जब आप इसको हीटिंग करोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। इट इज यूज्ड इन बोरेक्स बिट टेस्ट, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, फर्स्ट सही है, तो कौन सा गलत है, थर्ड। ओके क्लियर है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसको देखिएगा।